इसके बाद टूल सेटिंग है। टूल सेटिंग क्या है? कार्य के अनुसार टूल का चयन करके टूल को सेपर पर टूल को पोस्ट में कार्य की प्रकृति के अनुसार लंब रूप तथा थोड़ा सा एंगल में सेट किया जाता है। टूल को बांधते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि टूल पोस्ट को अधिक बाहर ना निकला हो और ना ही इतना अंदर हो कि रैम चलते समय जाप टकरा जाए। इसके बाद टूल किटकिटाने के जैसे चैटरिंग क्यों होती है? रैम अगर ढीला है तो भी होगा, जाप अगर ढीला है तो भी होगा, टूल का पॉइंट घिस गया है तो भी होगा, टूल को टूल पोस्ट से अधिक बाहर निकाल कर अगर सेट कर रहे हैं तो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है कि अगर चैटरिंग हो रहा है टूल के अंदर तो इन चारों में कौन सा रीज़न है। ये चारों में से कोई भी एक रीज़न होगा तो मस्ट ये समझिए कि एक्सीडेंट होना निश्चित है। इसके बाद आपका आता है सेपर टूल मटेरियल। सेपर टूल मटेरियल्स क्या है? सेपर टूल मटेरियल्स प्राय धातुओं के ही बनाए जाते हैं। पहला आपका हाई स्पीड स्टील है। हाई स्पीड स्टील एक अच्छी क्वालिटी की स्टील है जिससे प्राय 7% कार्बन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम मिला के बनाया जाता है। कभी कभी इसमें 4% कोबाल्ट भी मिला दिया जाता है जिससे इसकी हाई स्पीड क्वालिटी में सुधार हो जाता है। इस स्टील का मुख्य विशेषता यह है कार्य क्रिया करते समय घर्षण के कारण 560 डिग्री सेल्सियस से लेके 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए तो भी इसकी हार्डनेस बनी रहती है। इसमें 560 दिया है, उसे 556 दिया है, तो एक रेंज है, इसको आपके ध्यान रखना है। दूसरा है सीमेंटेड कार्बाइड। आधुनिक इंजीनियरिंग और विकास औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के कारण यह एक ऐसी धातु का आविष्कार किया गया जो कि हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा अधिक स्पीड पे कार्य कर सकती है और उच्च तापमान पर भी इसकी हार्डनेस बनी रहती है। इसे सीमेंटेड कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है। इस धातु के प्रायः टिप बनाकर टूल की शैंक पर ब्रेजिंग या वेल्ड करके जोड़ दिए जाते हैं। कार्बन के साथ टंगस्टन या टिटेनियम को मिलाकर सीमेंटेड कार्बाइड टिप बनाए जाते हैं। कार्बन और टंगस्टन के कंपाउंड को टंगस्टन कार्बाइड और टिटेनियम के कंपाउंड को टिटेनियम कार्बाइड कहते हैं। इनको पाउडर के रूप में कोबाल्ट को बांड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पाउडर का मिश्रण करके हाई प्रेशर पर निश्चित फॉर्म में ठोस बनाया जाता है। इसके बाद इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिंटर कर दिया जाता है। इस विधि से उत्पाद टिप या अन्य किसी प्रकार के हीट ट्रीटमेंट की करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिरेमिक मटेरियल्स। ये क्या है? आधुनिक युग में एक नई धातु का आविष्कार किया गया जिससे कम खर्चीले मिश्रण तत्व मिलाए जाते हैं और कुछ परिस्थितियों में इसको सीमेंट कार्बाइड टूल के स्थान पर भी उपयोग कर लिया जाता है। इस धातु को सीमेंटेड मटेरियल के नाम से भी जानता है, सॉरी सिरेमिक मटेरियल्स के नाम से जानता है। इसमें सफ़ेद रंग के टिप होते हैं जिनको एलुमिना ऑक्साइड से बनाया जाता है जो कि अन्य धातुओं की अपेक्षा काफ़ी सस्ता पड़ता है। जिसके टिप्स सीमेंटेड कार्बाइड के टिप्स की अपेक्षा हार्ड होते हैं। इसकी हार्डनेस लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर बनी रहती है। इस धातु के टिप्स में उच्च कटिंग स्पीड पर भी कार्य किया जा सकता है। सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा सिरेमिक मटेरियल्स का न्यून यांत्रिक गुण होते हैं जैसे कि अधिक ब्रिटल होते हैं और इसमें बेंडिंग लोड के लिए लो रेजिस्टेंस भी होता है। इसलिए सिरेमिक टूल का उपयोग प्राय फिनिश कार्यों के लिए, सेमी फिनिश कार्य के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आता है स्टेलाइट। स्टेलाइट क्या है? यह एक प्रकार की कास्टिंग एला है जिसमें टंगस्टन और कोबाल्ट अधिक मात्रा में मिलाया जाता है जिससे इसकी हार्डनेस और गलनांक बढ़ जाते हैं। प्राय 5 से 10 mm मोटाई वाले टिप्स एक एलाय और कास्ट करके बनाए जाते हैं जिन्हें टूल और शैंक पर ब्रेजिंग या वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की टूल का कटिंग एज अधिक समय तक टिकाऊ रहता है। इस धातु के बने टूल्स हाई स्पीड स्टील की 2 गुना स्पीड पर कार्य लिया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है स्पीड और फीड। स्पीड क्या है? सेपर का रैम प्रति मिनट जितनी बार आगे की ओर चलता है अर्थात स्ट्रोक लगाता है उसे सेपर स्पीड कहते हैं। और कटिंग स्पीड सेपर के टूल के प्रति मिनट में काटी गई धातु यदि मीटर या फुट में माप लिया जाए तो यह कटिंग स्पीड कहलाती है। और किन किन बातों से प्रभावित होती है?
टूल की हार्डनेस, सेटिंग और ग्राइंडिंग, जॉब की हार्डनेस, फीड की मात्रा, कट की गहराई, कूलेंट का फ्लो, मशीन की क्षमता। कटिंग स्पीड सेपर का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? कटिंग स्पीड बराबर ए मैट्रिक सिस्टम के लिए है एन मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 1000, जहां पर एन रैम की स्टॉकों की संख्या है, एल रैम के स्टॉकों की लंबाई है, के वापसी से कटिंग करने वाले समय का रेशियो है। उसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम के लिए कटिंग स्पीड एन मल्टीप्लाई एन एल ब्रैकेट में आपका 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 12, जहां पर एन रैम की स्टॉकों की संख्या है, एल रैम स्टॉकों की लंबाई इंच में है, और के जो है आपका वापसी समय की कटिंग करने वाले समय का अनुपात है। इसके बाद आपका आता है कटिंग स्पीड के बाद आपकी फीड आती है। रैम के प्रत्येक स्ट्रोक में जाप की टूल की क्रॉस करता हुआ जितना आगे बढ़ जाता है वह सेपर की फीड होती है। सेपर फीड प्रायः एमएम या इंचों में प्रकट की जाती है। कास्ट आयरन अगर है तो हाई स्पीड स्टील के लिए 2 mm, कार्बाइड टिप है तो 1.3 से लेकर 1.5%। इसके बाद आपका डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या है? कटिंग स्ट्रोक के दौरान कटिंग टूल धातु में जितनी गहराई में प्रवेश करता है वह कटिंग करता है, उसे डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। तो ये सारे। इसके बाद आपका मेंटेनेंस ऑफ सेपर। मेंटेनेंस ऑफ सेपर क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर सेपर की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मशीन की सूक्ष्मता बनी रहती है, उसे अधिक समय तक कार्य लिया जा सकता है। डेली जो मेंटेनेंस है उसमें क्या करना चाहिए? कार्य करने से पहले जाप मशीन को साफ कर लेना चाहिए, मशीन की स्लाइडिंग सरफेसों को साफ कर देना चाहिए और ऑयल डाल देना चाहिए, फीड स्क्रू और बैरिंगों में तेल लगा देनी चाहिए, मशीन पर तेल लगाने के लिए बने सुराखों को तेल देना चाहिए। वीकली में क्या करना चाहिए? रैम के पीछे की ओर बने ग्रू होल में तेल भर देना चाहिए। स्पीड चेन लीवर, बैरिंग, क्रैंक, क्लच आदि को तेल दे देना चाहिए। रैम अर्जेंटिंग स्क्रू में भी ऑयल दे देना चाहिए। मासिक में क्या करना चाहिए? फीड बॉक्स को साफ कर लेना चाहिए। और वार्षिक में क्या करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार मशीन की ओवरहॉलिंग कर देनी चाहिए, जिससे पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स को चेक करके खराब पार्ट्स को बदल देना चाहिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपके सेपर से रिलेटेड रही। मशीन की टाइमिंग क्या है, कटिंग स्पीड क्या है, फीड क्या है, होल्डिंग डिवाइस क्या है, ऑपरेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के धातु के जो है कि टूल्स होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बड़ा जो है कि शार्ट करके आपको नोट्स और जो है कि वीडियो भेजने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि जो है कि आप इसको समझेंगे। अगर किसी भी तरह की आपको डाउट्स है तो आप जो है हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगभग 2 साल की एक कोर्स होता है। आपको कुछ हफ्तों में इसको दे रहे हैं तो मुश्किल आपको थोड़ी होगी, और आशा करता हूँ कि आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।